स्टार प्लस पर आने वाला शो कसौटी जिंदगी सीजन 2 में कमालिका का किरदार निभाने वाली हीना खान उस वक्त काफी सुर्खियों में थी। लोग उन्हें कमालिका के किरदार में बेहद पसंद कर रहे थे। एक बहू का किरदार निभा चुकी, अब एक विलेन का किरदार निभा रही थी, जहां लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे थे। इनका लुक, इनका स्टाइल और इनका एक्टिंग लोगों को इतना भाया कि वो पुरानी कमालिका को भूल गए थे। इसी दौरान मेकर्स ने ये तय किया कि हीना खान ही दोबारा कमालिका के किरदार में ही नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं, हीना खान को एक फिल्म मिल चुकी थी, बॉलीवुड में वो डेब्यू कर रही हैं, जिसके चलते उनका बिजी शेड्यूल चल रहा था और उन्होंने कमालिका का किरदार करने से मना कर दिया था। उस दौरान मेकर्स के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने दूसरे कमालिका के किरदार के लिए काफ़ी नाम सुझाए, जिसमें से एक नाम जासमीन भसीन का भी था। लेकिन अब उड़ती उड़ती ये खबरें आ रही थी कि फिर से हीना खान ही कमालिका का किरदार निभाएगी, लेकिन एकता कपूर ने उनका पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एकता कपूर हीना खान को नहीं बल्कि किसी और को अब कसौटी जिंदगी की कमालिका के किरदार में लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि अब जब हीना खान ने कसौटी जिंदगी को अलविदा कह दिया है, तो मेकर्स दूसरी कमालिका को लेके आने वाली हैं। वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों मीडिया में खबर थी कि करिश्मा तन्ना और गौहर खान कमालिका की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट में बताया है, हीना खान अब ZK2 की टीम का हिस्सा नहीं होंगी, यानी कि कसौटी जिंदगी का हिस्सा वो नहीं होंगी। इसकी जानकारी हीना ने बहुत पहले मेकर्स को दी थी, लेकिन मेकर्स ने ये उम्मीद बनाई थी कि शायद हीना खान वापस लौट ही आए, लेकिन ये ना होने की वजह से एकता कपूर ने उन पर एक बड़ा फैसला लिया है। एक तरह से उन्हें बेइज्जत कर दिया है कि उन्होंने हीना खान को पूरी तरह से हटा चुकी हैं, यानी कि अब दूसरी कमालिका नजर आएंगी। वो गौहर खान होंगी या करिश्मा तन्ना, ये तो अभी तय नहीं हुआ है, पर इतना तय हो गया है कि हीना खान तो नहीं होंगी। नेक्स्ट 9 लाइव से नाजमिन की रिपोर्ट।